गुरदासपुर पुलिस ने वक् वक् थावां ते छापेमारी करके नजायज़ शराब का धंधा करने वाले दो व्यक्तियों ते एक महिला नूं नजायज़ देसी शराब समेत गिरफ्तार किया है। इन्हां कोलों 75,000 ml नजायज़ शराब भी बरामद हुई है। महिला नूं 1,20,000 ml नजायज़ शराब समेत गिरफ्तार किया गया है। इन्हां दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई आरंभ दी है। SHO जतिंद्रपाल सिंह ने इस संबंधी होर जानकारी दी है। मानयोग SSP साहब गुरदासपुर दिशा निर्देशों के लगातार ही नशे के व्यक्तियों खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाती है, जिस के तहत ही कल मुखबर खास वालों दसी तला के उपर करणबीर सिंह पुत्र पलविंदर सिंह वासी खैरा कोटली उम्र करीब 25 साल जो कि देसी शराब नजायज वेचण का धंधा करता सी, जिसनों गिरफ्तार करके कार्ड 114 एक्साइज एक्ट के तहत परचा दर्ज किया गया। ये कोलों कुल 60 बोतल जी देसी नजायज शराब बरामद हुई है। इस वक्त करणबीर के उपर 114 एक्साइज एक्ट नजायज शराब का 114 एक्साइज एक्ट तहत परचा दर्ज किया गया, मानयोग जज साहब से पेश किया गया। इस दे नाल ही एक जतिंद्र सिंह पुत्र चन्नण सिंह वासी सिदमा जमीता उम्र करीब 35 साल ये भी नाल ही पुछगिछ तो बाद जतिंद्र सिंह का नाम सामने आया, जिसे रेड की गई, जिस दे हवेली के 40 बोतल नजायज़ शराब बरामद हुई। ये उपर भी 114 एक्साइज एक्ट के तहत परचा दर्ज किया गया। इस दौरान ही एक मुखबर वालों फिर इतला दी गई, जिसके तहत रेखा वाइफ ऑफ जसविंदर कुमार वासी भट्ठा कलोनी हरदोपथवाला जो कि नजायज़ शराब वेचण का धंधा काफ़ी देर तो करती सी, इस दे उपर भी रेड किया गया। इसकी हवेली विचों कुल 1,20,000 ml नजायज़ शराब बरामद हुई, जिसनों 114 एक्साइज एक्ट के तहत परचा दर्ज करके मानयोग जज साहब से पेश किया गया। गुरदासपुर तो सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।